सिर्फ तुम 22 अगस्त से सिर्फ वूट पर। कब तक ऐसे ही अकेले अपना ध्यान रखेगी? हाँ, गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए भी उसे भी दो पहिए चाहिए होते हैं। माँ और दादी तेरी चिंता करते हैं इसलिए समझाते हैं बेटा। जिंदगी सबको दूसरा मौका देती है, पर जरूरी है कि उस मौके को एक मौका दो। आज हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज दोबारा मेरी शादी की बात मत करिएगा। ओए, किस चिंता में टूपी हो बालिके? हाँ, ओ डॉक्टर अकड़ू के कहर के बारे में सोच रही हो? अरे उसकी चिंता छोड़ो, अपने दोस्त पे ट्रस्ट करो। मेरे होते हुए अकड़ू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम बहुत ड्रामा करती हो, एंड रॉन्ग आंसर। मुझे किसी के भी कहर से कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी गाड़ी से जाऊंगा, मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ड्राइवर खास ध्यान रखना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये क्या तुम लोगों ने हॉस्पिटल की गाड़ी को पर्सनल थिएटर बना रखा है? पहले ही कहा था मैंने, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, पर तुम लोगों को सीनियर की रिस्पेक्ट करना आती ही नहीं है। ऐसी बंद ही नहीं हो रही है तुम दोनों की। डॉक्टर रणवीर, अगर ये हमारा थिएटर नहीं है तो आपका बेडरूम भी नहीं है। हॉस्पिटल की कैब हॉस्पिटल के सारे मेंबर्स के लिए होती है। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप अपनी गाड़ी में आइए, हम आपके इंस्ट्रक्शंस हॉस्पिटल के अंदर लेंगे, हॉस्पिटल के बाहर नहीं। डॉक्टर सुहानी, मैं आपका सीनियर, हॉस्पिटल के बाहर भी और हॉस्पिटल के अंदर भी आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। ओके सर, तो हम फिर से गाड़ी से उतर जाते हैं। आप अपनी साउंड स्लीप लीजिए। भैया गाड़ी रोक दीजिए। हाँ ठीक है, उतर जाते हैं। और सर इस बार मैं हूँ साथ में, तो साथ उतर जाएंगे और पैदल आ जाएंगे, और ड्राइवर साहब आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। ड्राइवर साहब सर को हॉस्पिटल ले जाइएगा अच्छे से, सीनियर है। अब गाड़ी रोको। नो नीड। ओके कंटिन्यू करें। वाह सुहानी, तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब आई एम रियली इंप्रेस। क्या कड़क जवाब दिया उसको। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये जो रणवीर है ना, किसी पंडित के पास जाएगा, उसे अपना हाथ दिखाएगा और पूछेगा कि ये सुहानी नाम का शनि उसकी जिंदगी में कैसे आ गया, उसे चुप कैसे कराया जाए। मतलब सीरियसली, आप दोनों को डॉक्टर रणवीर बुला रहे हैं अपने कैबिन में। इस अकड़ू को क्या हो गया? चलो चल के देखते, चलो। सर शाविक अमेन,
कम इन। सर आपने बुलाया? हाँ डॉक्टर आदित्य, एक पेशेंट का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया है, उसे इससे रिप्लेस करना है। इसे उठाइए और ले जाकर रिप्लेस कीजिए। सर मैं कैसे, मतलब आई मीन क्यों, हंसी मजाक के अलावा और कोई काम नहीं आता तुम्हें? बोलो सिलेंडर तुमसे उठेगा या नहीं? सर आप कह रहे तो एक ट्राई तो बनता है। डॉक्टर सुहानी, ये काम मैंने डॉक्टर आदित्य को दिया है, आप अपना काम करिए। सर ये काम वैसे भी एक डॉक्टर का नहीं है, एक वार्ड बॉय का। वार्ड बॉय से क्यों नहीं करा रहे हैं काम? बोलने से पहले आप सोचती नहीं है ना, एक इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या करेंगी? वार्ड बॉय के आने का वेट करेंगी या वार्ड बॉय के आने तक हंसी मजाक करेंगी? कम ऑन डॉक्टर आदित्य, पिक अप द सिलेंडर। ये लीजिए सर, उठा लिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं उठा पाऊंगा। आप बताइए किस पेशेंट के पास ले जाना है? फॉलो मी। अप टू यू सर, अप टू यू। सुहानी देख के। अरे तुम देख के आराम से। हाय, हेलो हेलो हेलो। वेट, मैंने सिलेंडर उठाकर लाने को कहा था, नीचे रखने को नहीं। है? ओ। गुड, अब तुम पूरी रात ये सिलेंडर पकड़कर यहीं खड़े रहोगे। नो प्रॉब्लम सर। वन सेकेंड, डॉक्टर रणवीर स्टैंड यहीं पर रखा हुआ है, अगर डॉक्टर आदित्य पूरी रात इतना भारी सिलेंडर लेकर खड़े रहेंगे तो उनके नेक में इंजरी हो सकती है। डॉक्टर सुहानी, आपकी आंखें वर्किंग कंडीशन में है? सॉरी, सामने देखिए, सिलेंडर का स्टैंड छोटा है, ये सिलेंडर उस स्टैंड में फिट नहीं होगा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। जूनियर डॉक्टर आदित्य, तुम्हें पूरी रात इस सिलेंडर को पकड़ के खड़े रहना होगा। इट्स अ प्लेजर एंड इट्स इजी पीजी। वेलकम टू माय ट्रेनिंग जूनियर डॉक्टर आदित्य। ध्यान से, अगर सिलेंडर गिरा तो पेशेंट का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा। क्वाइट इजी पीजी। तुम अपनी पर्सनल गेम्स की वजह से किसी पेशेंट की लाइफ इस पर कैसे डाल सकते हो? तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम नहीं, डॉक्टर रणवीर ओबेरॉय, और डॉक्टर रणवीर ओबेरॉय के रहते ना कभी किसी पेशेंट की जान खतरे में आई है और ना आएगी। रही बात पर्सनल गेम्स की, तो मैंने कभी कोई गेम शुरू नहीं किया। लेकिन खत्म नहीं करूंगा। अनलेस तुम्हें जूनियर डॉक्टर आदित्य के लिए बहुत बुरा लग रहा है तो कहो, वरना मेरे पास टाइम नहीं। I've got patients to attend. मैंने बोला था डॉक्टर रणवीर से मत पंगे लो, अब तुमने मेरा साइड लिया ना, अब अपना सारा गुस्सा यूं टॉर्चर करके निकालेंगे। अरे हल्का सा सिलेंडर ही तो उठाने को कहा है, कौन सा पहाड़ से कूदने को बोला है? और मैं कौन सा कूदता?
लेकिन तुम्हारी दोस्ती के लिए कर देता। वैसे ये करना थोड़ा भारी है, लेकिन I'll adjust। क्या हो गया, सड़ा मुंह बना है, स्माइल दे दो। हाय, आराम से। खाना नहीं खाओगे तो दवाइयां नहीं ले पाओगे, और दवाइयां नहीं लोगे तो रिकवर कैसे होगे? सर, क्या हुआ? सुहानी, दिस इज नॉट फेयर। मुझे एक स्टूपिड सी कसम खिला के ये सिलेंडर का पूरा लोड ले रहे हो तुम। अच्छा ठीक है, जिद्दी बनना है ना, बहुत शौक है, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन आधा आधा शेयर कर लेते हैं ना, थोड़ी देर तुम थोड़ी देर मैं। नहीं आदि, तुमने तुमने मेरी वजह से बहुत झेली है, बस अब मैं प्लीज दूर रहो। बहुत बड़ी जिद्दी हो तुम। सॉरी आदि, दूर प्लीज, आराम से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इतना भारी सिलेंडर दे दिया उसे उठाने के लिए। ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी। मैंने बोला था मतलब डॉक्टर आदित्य से सिलेंडर मैंने लिया है, और डॉक्टर रणवीर, अगर ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है तो मैं भी आपकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा हूँ। सुहानी नो। अब भले इसके लिए मुझे टॉर्चर क्यों ना झेलना पड़े। और एक बात और, ये लड़की के नाम पर ना आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते मुझे, क्योंकि हर बार मैंने आपको गलत साबित किया है। डॉक्टर आदित्य, तुम खड़े खड़े तमाशा देखोगे या सुहानी से सिलेंडर वापस लोगे? सुहानी दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, अभी ये मेरी ट्रेनिंग का टाइम है। हम दोनों ट्रेनीज हैं डॉक्टर रणवीर आपके अंडर। बात समझा करो तुम मुझे। Stay in your limits. Adi, you fine? ठीक हो ना तुम? अरे मैं first class हूँ। लेकिन इसको क्या हो गया? हाँ? समझ में नहीं है। वो छोड़ो, एटलीस्ट आज का टॉर्चर तो खत्म हुआ। टॉर्चर के आभार में तुम हाथ दिखाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। I'm good. Sure. पड़ गया।
रानी शर्मा, मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे नाम पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत ही रहेगी। तुम्हारी नफरत तुम्हें इतना नीचे गिरा देगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी रणवीर। अब और कितना नीचे गिरोगे तुम? जो दर्द तुमने मुझे दिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। हनी के साथ मिलकर तुम मुझे जान से मारना चाहती थी ना? नो। सबक तो तुम्हें अब मैं सिखाऊंगा। I hate you! I hate you, Ranveer. I hate you. इतना पेन क्यों हो रहा है? पता नहीं अचानक पीठ में इतना दर्द क्यों शुरू हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने दवाई नहीं ली ना? दवा तो मैंने दी थी लेकिन दर्द नहीं जा रहा। अच्छा हो तू आ गया, मैं तो फोन करने वाला था तुझे। अच्छा रिलैक्स माँ, हम अभी केके हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए केके? केके हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, वहां ढंग का एक डॉक्टर नहीं, ढंग का एक इलाज नहीं होता। नहीं बाबा नहीं, वहां नहीं। तू एक काम कर, तू ना मुझे अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले चल। देख तेरी आंखों के सामने रहूंगी ना, मुझे पता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मेरे हॉस्पिटल? माँ मेरा हॉस्पिटल शाहपुर में, शाहपुर गाँव है, वहाँ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। और के शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है माँ। नहीं 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 नहीं, मुझे और किसी हॉस्पिटल नहीं जाना। मैं कंफर्टेबल हूँ तेरे हॉस्पिटल में और मुझे पूरा विश्वास है कि तेरी आंखों के आगे रहूंगी, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सुहानी नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल आती है, मैं माँ को अभी दिन में ही ले जाता हूँ। कहीं सुहानी को देख के माँ फिर से उस उम्मीद के दर्द से ना गुजरे। ठीक है माँ, हम अभी हॉस्पिटल चलते। ठीक है, लेकिन तू एक काम कर, हॉस्पिटल जाने से पहले कुछ खा ले ना। माँ आप पेन में और मैं यहाँ बैठ के खाना खाऊंगा? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, चलिए जाओ जाओ। बहुत जोर से लग रही है। माता रानी जिस काम के लिए जा रही है वो सफल हो जाए। आराम से माँ, आराम से माँ। यार सुहानी मानना पड़ेगा तुम्हारा गिफ्ट वाला आइडिया बहुत अच्छा था। देखना निशा को ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा, क्या कहती है? निशा को तुम जितना जानते हो ना मैं भी उतना ही जानती हूँ। ओहो, पर एक लड़की होने के नाते ये पता है कि उसको क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। वाह, वापस से अपना विमेंस कार्ड खेल लिया, चले अब। अरे सुहानी 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 सुनो, मैं पता लगाता हूँ निशा नाम की प्राणी का है, तुझे साथ में सरप्राइज है। ठीक है, आता हूँ, यही रहना।